नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज 24x7। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पुणे स्थित लक्ष्य फाउंडेशन के सहयोग से भारतीय सेना द्वारा पंचगोम पुलवामा में आज मेरा देश मेरी पहचान नामक एक राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह अनूठा कार्यक्रम दक्षिण कश्मीर के बच्चों और युवाओं को देश की विविध और समृद्ध संस्कृति से परिचित कराने और साथ ही साथ उनकी अपार प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया था। कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित किया गया था। इसमें ढेर सारी गतिविधियां शामिल थी, जैसे कि टीम निर्माण अभ्यास, रचनात्मक प्रतियोगिताएं, चर्चाएं और मजेदार बाधा कोर्स। इस मेगा इवेंट में दक्षिण कश्मीर के लगभग 1200 स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों ने भारी भागीदारी देखी, जिन्होंने उत्साह पूर्वक विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। कमांडर 12 सेक्टर आरआर ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और उनके उत्साही प्रतिक्रिया और प्रतिभा के लिए उनकी सराहना की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं को उनकी बेहतरी के लिए अवसर प्रदान करना जारी रखने के भारतीय सेना के संकल्प को दोहराया। उन्होंने इस पहल के लिए लक्ष्य फाउंडेशन पुणे के प्रयासों और पुलवामा के युवा स्वयंसेवकों की सराहना की, जिन्होंने आयोजन के सफल संचालन की दिशा में काम किया। मेरा नाम मोमिनुल जमान एंड आई एम फ्रॉम 1st J&K बटालियन NCC। जो कि ये इवेंट हो रहा है यहाँ मेरा देश मेरी पहचान, जो कंडक्ट कर रहे हैं लक्ष्य फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन आर्मी, उन जो 55 RR जो पंजगाम पुलवामा में कंडक्ट हो रहा है। और ये जो इवेंट है, मतलब इस इवेंट में नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में थीम है इस इवेंट की। और जो इवेंट है, इसमें अलग अलग स्टेट्स के जो बैरक्स में अलग अलग स्टेट्स का कल्चर दिखाया जा रहा है, फूड, उनका वे ऑफ लिविंग दिखाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि मतलब इंडियन आर्मी एंड लक्ष्य फाउंडेशन ये हर एक लेवल पे दिखाए, रूरल लेवल, विलेज लेवल एंड ब्लॉक लेवल पे ये हर एक इवेंट दिखाए, और हर एक सिटी, हर एक स्टेट में ऐसा इवेंट होना चाहिए, सो दैट द पीपल कैन नो अबाउट द कल्चर एंड द फूड एंड द वे ऑफ लिविंग ऑफ द अदर स्टेट्स आल्सो। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीटी न्यूज 24x7।